इंतजामिया का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है और अफसरों को अपने मन माने तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे फेवर्स लिए जा रहे हैं और उनको फेवर्स दिए जा रहे हैं, यानी क्विड प्रो को चल रहा है। प्राइस पोस्टिंग ऑफिसर्स को अपने को दी जाती है और उनसे जो है अपना सियासी मुफाद और जाति मुफाद जो है वो हल करवाया जा रहा है। ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जमहूरी निजाम को यहां जानबूझकर बहाल नहीं किया जा रहा है ताकि ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पर्सनल और पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट कर सके। जिस तरीके से सरकारी बंगलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जे किए हुए हैं, सरकारी अफसरों के साथ मिलकर, वो इसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बीजेपी के लीडर्स को सरकारी बंगलों से नहीं निकाला जा रहा है और 2018 में उनकी अवधि जो है वो खत्म हो चुकी है। आज वो कोई भी ऑफिशियल पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं जो बीजेपी के नेता, उनको भी मिनिस्ट्रियल बंगलोज दिए गए हैं। उन बंगलोज के अंदर फर्नीचर, फिक्स्चर्स और सारा साजो सामान जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर दिया गया है, कोई रेंट उसका नहीं दिया जा रहा है और सरकारी प्रॉपर्टी का धड़ल्ले के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी तरीके से सरकारी गाड़ियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अलॉट की गई हैं अफसरों द्वारा। सिक्योरिटी का जो एक नेटवर्क है जो इनके को दिया गया, एक ह्यूज पैराफर्नेलिया ऑफ सिक्योरिटी हैज बीन अलॉटेड विद द बीजेपी लीडर्स। अपोजिशन के लोग जो थे उनको जहां 3-3 साल पहले बाहर निकाल दिया गया था सरकारी बंगलों से, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ना केवल सरकारी बंगलों में रखा गया है बल्कि सरकारी गाड़ियां और सिक्योरिटी भी जो है उनको मुहैया की गई है और पुलिस का भी गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। विरोधियों के ऊपर जो है वो FIR लगाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो कितने भी बड़े आपराधिक मामले में मुलफ्फिज़ क्यों ना हो, उनको खुली छूट दी जा रही है। और जहां तक के विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशन और एंटी करप्शन ब्यूरो भी खुली छूट इन बीजेपी के लीडर्स को दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आज जमहूरियत जो है वो खतरे में है। हम राष्ट्रपति महोदय से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का जम्मू कश्मीर में दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जमहूरियत के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है और एक कॉज ऑफ कंसर्न है जिसका संज्ञान राष्ट्रपति महोदय को एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री जो है वो लेना होगा। और उन बीजेपी लीडर्स जिन्होंने सरकारी बंगले, सरकारी ज़मीनें दबाई हुई हैं, सरकारी गाड़ियां दबाई हुई हैं और जो गलत इस्तेमाल प्रशासन का कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग पैंतीस पार्टी।